हेलो दोस्तों, गगन आर्ट एंड क्रिएशन में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों को ज़्यादातर पोर्ट्रेट ड्राइंग देखने को मिलता है, तो मैं आज आप लोगों को एक फेस परफेक्टली कैसे बनाया जाता है यही सिखाऊंगा। अब ज़्यादातर बिगिनर क्या करते हैं, डायरेक्ट फेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आँख आँख बना दिए और फिर नाक। ऐसे में क्या होता है कि चेहरा सही से बन नहीं पाता, कभी आँख छोटे हो जाते हैं, कभी नाक थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, फेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सही नहीं बनता है। इसके लिए क्या करें, आपको लूमिस मेथड का यूज करना होगा। उससे क्या होगा, आप फेस एक्यूरेट बना पाएंगे। इसके लिए एक सर्कल बनाएं, आप प्रैक्टिस करें, जब भी आप खाली हो सर्कल बनाते रहें, इससे इस सर्कल एक्यूरेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर एक मिनी सर्कल बनाएं। आप इसका एग्जांपल बॉल से ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं बॉल एक फुल सर्कल है और उसके अंदर हमें मिनी सर्कल बनाना है, जो एक्चुअली में मिनी सर्कल होता है, पर अगर उसे साइड से देखें तो वैसे दिखाते हैं, वरना अगर ऐसे देखें तो ये भी फुल सर्कल ही होता है। उसके बाद उसके सर्कल के दोनों ऊपर से एक हेड के लिए लाइन और उनके बीच से एक नोज़ के लिए लाइन और फिर नोज़ के एंड के लिए एक और लाइन, ये इन दोनों के बीच से ही होकर गुजरता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं और बना सकते हैं। फेस ड्रॉ करने के लिए एक बड़ा सर्कल बनाएं, उसके अंदर एक छोटा मिनी सर्कल बनाएं। अब इन दोनों के बीच से एक लकीर लें जो दोनों सर्कल के बीच में हो। अब एक ऊपर से दोनों बीच में से एक लाइन खींच लें जो इतना लंबा हो कम से कम। अब ऊपर वाले मिनी सर्कल के ऊपर से एक लाइन खींचें जो अब जो जो बीच से सर्कल गया है यहीं पे इसके आईब्रोज बनेंगे। अब ये स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है ये इधर देख रहा है लेफ्ट की साइड में, अगर राइट की साइड में इसे देखना होगा तो एक ऐसे बनाएंगे एक और सर्कल और इसके लेफ्ट में एक मिनी सर्कल। अब जो मिनी सर्कल के नीचे में यहाँ से एक कट लगाएंगे और फिर जो लाइन यहाँ पे मिला देंगे। तो हमारा एक स्ट्रक्चर एक तरह से तैयार हो गया, ऐसे ही आगे बन जाएगा। तो ये तो एक नॉर्मल हो गया, हर चेहरा अलग होता है, किसकी किसी की नाक थोड़ी बड़ी होती है, किसी का जॉलाइन थोड़ा चौड़ा होता है, तो वो अब ध्यान देके बना सकते हैं। अब जो ये सर्कल है इसे हम मान लेते हैं स्टेप वन और जो मिनी सर्कल है इसे मान लेते हैं स्टेप टू। जो बीच से लाइन गया यानी कि ये हो गया हेड के लिए, यहाँ पे इसके बाल आ जाएंगे वगैरह, यहाँ पे इसके आईब्रोज, यहाँ पे आँख के लिए, ये नोज के लिए। और अगर आप किसी ऐसे का चेहरा बनाना चाहते हैं जो सीधा देख रहा हो सीधा कैमरे में, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी एक सर्कल बनाएंगे और जो मिनी सर्कल है ये दोनों साइड साइड में बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन लेंगे और ऊपर में एक लाइन और इन फिर नीचे एक दो एक लाइन और बीच से एक लाइन ले लेंगे
अब यहाँ पे और यहाँ पे कट, और फिर इन दोनों को मिला देंगे। जैसे भी फिश का स्ट्रक्चर हो वैसे, तो ऐसे ये एक और डायरेक्शन में बनके आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए एक फेस ड्राइंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएं, आप लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाएं। अब इसके बीच से एक लाइन खींचे जहां पे आईब्रो बनना होगा, यहां पे एक लाइन जहां पे हेड बनना होगा, हेयर, और ये इसके कोन पे नीचे पे एक लाइन जहाँ पे नोज एंड होगा। बीच से इसके एक और लाइन खींच लेते हैं, अब यहाँ पे इसके जो लाइन, अच्छा होगा। सबसे पहले आप क्ले का इस्तेमाल करके आप कुछ साफ कर लें। अब इसके हेयर निकाल लेते हैं। जब भी आप फेस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब भी फेस ड्रॉ करने लगे तो सबसे पहले आप अंदर से स्टार्ट ना करें, बाहर से स्टार्ट करें उसके बाद अंदर जाए। या ऐसा ना करें कि पहले आंख बना ले, नाक बना ले, इससे क्या होगा गड़बड़ होने के ज़्यादा चांस होते हैं। बाहर से बनाए, जैसे पहले हेयर बना ले, जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट इसके ऊपर से फिर से आप एक और लेयर निकाल सकते हैं। ये तो बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो बेसिक फेस नजर आने लगा है, अब आप आईब्रोज निकाल लें। इसके नोज के लिए अब इसके लिप्स बनाएंगे।
इसके बी एड बनेंगे। कुछ कुछ ये विराट कोहली जैसा लग रहा है तो कमेंट में थम दे। और बाकी जो साइड लाइंस हैं अब हम उन्हें इरेज कर देंगे। अब आप इसके एक और लेयर के लिए 8B पेंसिल या 4B पेंसिल, ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 4B पेंसिल यूज करें। और अब इसके ऊपर से हाईलाइट और निकालते हैं अच्छे से। अभी हम शेडिंग नहीं करेंगे, आप कभी भी डार्क पेंसिल यूज करने से डरे नहीं, रिस्क लें, सीखने के लिए हमेशा रिस्क लें। बाकी मैं हेयर के लिए अलग वीडियो लेकर के आऊंगा कि रियलिस्टिक हेयर कैसे ड्रॉ करते हैं।
देखिए ये काफ़ी हद तक विराट कोहली जैसे लग रहा है। आप और अच्छे प्रैक्टिस करके और अच्छे से बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।